और बड़ी खबर आ रही है उधमपुर से, जहां जंगलों में आग तेजी से फैल रही है। 3 दिन से लगातार आग का तांडव जारी है। सैकड़ों पेड़ और लकड़ी आग में खाक हो गए हैं। 3 दिन से आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो जो जारी थी वो अभी तक नाकाम साबित हो रही है। उधमपुर के जंगलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैकड़ों पेड़ को नुकसान यहां पर पहुंचा है। भीषण अग्निकांड की तस्वीरें उधमपुर से। 3 दिन से आग से जो नुकसान है वो काफी ज्यादा पहुंचा है, ये जानकारी सामने आती हुई। तो उत्तर भारत में जिस तरह से जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है, उधमपुर के जंगल भी उसकी चपेट में आ गए हैं और सैकड़ों पेड़ और लकड़ी यहां पर आग की चपेट में आ चुकी है। आग लगातार फैलती जा रही है और ये तस्वीरें डरावनी हैं। तो उत्तराखंड से खबर आ रही है, चारधाम यात्रा से जुड़ी है ब्रेकिंग न्यूज। अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर जानकारी कि इसकी लिमिट को हटा दिया गया है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के सभी बैकलॉग पूरे हो चुके हैं, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं लोग। शुरुआती दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए थे और ऐसे में ऑफलाइन यानी वहां पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कराने को बंद कर दिया गया था और लोगों से कहा गया था कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके ही आए, लेकिन अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में जो लिमिट थी उसको हटा दिया गया है। तो चारधाम यात्रा को लेकर ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की लिमिट को हटा दिया गया और जो जानकारी मिल रही है कि रजिस्ट्रेशन के सारे बैकलॉग्स पूरे हो चुके हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, अब तक लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दर्शन कर चुके हैं और यह आंकड़ा अब भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई यात्री अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हुए दर्शन करने के लिए पहुंचते ही जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, हर दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं। भक्तों की आस्था सरकार की गाइडलाइन पर भी भारी पड़ रही है। भक्त उसे नजरअंदाज कर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके कारण कई श्रद्धालुओं को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। हाई एल्टीट्यूड में पल्मोनरी एडिमा और सेल्यूलर एडिमा की वजह से होती है, जो हाई एल्टीट्यूड में उनके फेफड़े में पानी भर जाता है या फिर ब्रेन में सूजन आ जाती है। यह अचानक ऑक्सीजन की कमी से या हाइपोथर्मिया की वजह से हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है। ये इसलिए भी पोस्टमार्टम में एक तो फाइंडिंग मिलती है, तो सब पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं, जो एडमिट हो रहे हैं क्रिटिकल कंडीशन में, उनमें भी एक फाइंडिंग मिलता है, जिनको समय पर वो हमारे अस्पताल आ जाते हैं, चाहे यात्रा में जुड़े हुए अस्पताल है चाहे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, तो बीमारी पकड़ में जाती है, दवाएं चल जाती है, मरीज लगभग ठीक हो जाते हैं। वहीं लापरवाही की वजह से केदारनाथ में अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बद्रीनाथ में 26, यमुनोत्री में 23 और गंगोत्री में 8 लोगों की मौत की खबर है। डॉक्टरों के मुताबिक चारधाम में श्रद्धालुओं की मौत का कारण सांस लेने में दिक्कत है। पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से फेफड़े फूल जाते हैं, फेफड़े में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से मौतें हो रही हैं। Z News।